बच्चों में पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज बच्चों दो ऑर्डर में दे रखे हैं प्रोडिक सॉल्वेंट के अंदर प्रोडिक सॉल्वेंट जैसे वाटर तो बच्चों ये तुम्हें पता है फैट्स बेस्ड है क्वेश्चन अगर आर सी एस थ्री है जैसे यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप दे रखा है हमें तो उसमें ऑर्डर क्या आता है टू डिग्री ग्रेटर देन वन डिग्री ग्रेटर देन थ्री डिग्री ग्रेटर देन एन एस थ्री और अगर हमारा आर सी टू एच फाइव होता है तो ऑर्डर आता है टू डिग्री ग्रेटर देन थ्री डिग्री ग्रेटर देन वन डिग्री ग्रेटर देन एन एच सी यही ऑर्डर आ रखा है बच्चों हमारा सो दीज बोथ आर करेक्ट अच्छा बच्चों एक और चीज़ ये इतना डिफरेंट ऑर्डर क्यों निकल के आता है आई मीन वाइस इज इट नॉट सिंपली थ्री डिग्री ग्रेटर देन टू डिग्री ग्रेटर देन वन डिग्री ग्रेटर देन एन एस सी जो कि यहां पर दे रखा है बच्चों इन गैस फेज गैस फेज में हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे होते हैं ऑफ द ग्रुप अटैच जो ग्रुप अटैच है मिथाइल या इथाइल उसका हम इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से हमें पता है नॉर्मली थ्री डिग्री शुड बी मोर बेसिक देन टू डिग्री देन वन डिग्री दैन एनएससी अगर हम एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं तो दिस शुड बी द ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट अगर तुम देख रहे हो ठीक है ना बच्चों तो हमारा Water लेने द ऑर्डर चेंज डिफरेंट ऑर्डर क्यों आ रहा है क्योंकि हम ना केवल आई इफेक्ट देख रहे होते हैं उसमें हम एक और चीज भी देख रहे होते हैं कि आफ्टर डोनेटिंग इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एच प्लस आयन जो हमारा आयन बना आफ्टर डोनेटिंग द दियर टू एच प्लस जो आयन बना वो कितना स्टेबिलाईज है उसको भी हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ता है नॉट ओनली द आई इफेक्ट द सॉल्वेशन ऑफ आयन फॉर्मड आफ्टर डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एच प्लस वी आर लुकिंग एट द स्टेबिलिटी ऑफ द आयन फॉर्मड थ्रू सॉल्वेशन बच्चों, जो आयन बना जब उसने लोन पेयर एच प्लस को डोनेट कर दिया उसका जो आयन बना हम उसकी स्टेबिलिटी भी देखेंगे वाया बच्चों क्लियर है गाइस और इन दोनों का जो क्यूमलेटिव इफेक्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट बेसिकली कि प्रोडक्ट कितना स्टेबल बन रहा है इन द वॉटर एज मीडियम जो प्रोडक्ट बना वो कितना स्टेबिलाइज है वो भी फैक्टर है और एल्काइल ग्रुप का डोनेटिंग नेचर भी हम देख रहे होते हैं और उन दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट से हमारा ये ऑर्डर निकल के आता है जैसा मैंने कहा था कि इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट ये ऑर्डर निकल के आ रहा है तो आ रहा है हाँ ये ऑर्डर क्यों निकल के आ रहा है उसके लिए एक्सप्लेनेशन इसके थ्रू करी जाती है तो यू हैव टू लर्न दिस ऑर्डर बेसिकली ओके